जेल भिजवा दिया था तुमने। आज मैं तुमसे 10 लाख रुपए वसूल करने आया। चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को इत्तला कर दोगे, यही बात है ना? लेकिन सेठ मोहनदास, इस खिलौने को पिस्तौल कहते हैं, अगर इसकी एक गोली भी चल जाए तो सामने वाला जिंदा नहीं बच सकता। मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। जरूर चला जाऊंगा, लेकिन अपना हिसाब लेकर। तिजोरी में कुछ भी नहीं है बनवारी लाल, सब कुछ बैंक के लॉकर में है। मेरी किताब की ना इसकी निगरानी मैं हूँ। बहुत खूब कमला देवी, तुमने ये बताकर मेरी मुश्किल और भी आसान कर दी है। अब मुझे चाबी नहीं चाहिए, मुझे जवाहरात चाहिए, और इसकी अमानत ये बच्ची। लाओ ये बच्ची मुझे दो। बनवारी लाल, बनवारी लाल, बनवारी लाल। आपको क्या हो गया? क्या हो गया आपको? आपको क्या हो गया? क्या हो गया? आपके पति की मौत का सदमा ही आपके लिए कुछ कम नहीं, मगर मुझे तो इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है कि आपकी बेटी गीता भी अब आपको नहीं मिल सकती। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हकीकत है। खूनी की तलाश में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर उसके पकड़ सकने से पहले जिस गाड़ी में सफर करके वो यहां से भागने की कोशिश कर रहा था, वो हादसे के शिकार हो गई। ख्याल किया जाता है कि वो दोनों दरिया की नजर हो गए। इंस्पेक्टर साहब, नहीं, मेरे बच्चे, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे।
आ गए प्यारे लाल। जी हाँ, मगर बिहारी बाबू कम से कम इतना तो पूछिए कि आज के थिएटर के शो का शेयर कितना आया है। ये देखिए, पूरे 15,000 रुपए का नोट है। 15,000 कौन सी बड़ी बात है प्यारे लाल। संगीता के आर्ट की कीमत अब हजारों में नहीं लाखों में बिकने के दिन आ गए हैं, और ये सपना मैंने आज से 16 बरस पहले देखा था, और वो सपना पूरा हो गया है। सारे हिंदुस्तान में संगीता के नाच की धूम, बच्चे बच्चे की जबान पर उसी का नाम है, हर दिल की धड़कन बन चुकी है भूमि है। प्यारे लाल, मेरा सपना इससे भी दो कदम आगे है। जिस दिन का मुझे इंतजार है वो अभी मेरे सामने नहीं आया। वो तो मैं भी जानता हूं। मोहनदास की बेवा कमला देवी आज जिंदा है या मर गई ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी बेटी गीता आज जमाने की नजरों में आपकी बेटी संगीता जरूर है, और उसके नाम पर बैंक में पड़े हुए हीरे जवाहरात आप कैसे हासिल करेंगे ये आप बेहतर जानते हैं। बिहारी लाल कच्ची गोलियां नहीं खेला है प्यारे लाल। प्यारे लाल, इस गुत्थी को भी सुलझाने का इलाज मैंने सोच रखा है। ये देखो, ये फोटो देखो, ये कमला देवी और उसकी बेटी की पुरानी तस्वीर है, और ये उस बच्ची के गले का पुराना खानदानी लॉकेट है जो उसकी शिनाख्त का सबसे बड़ा सबूत है। सबूत तो कुदरत ने खुद ब खुद मुहैया कर दिया है, मां बेटी की शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है। वाह 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 बिहारी बाबू, मैं आपकी दूरअंदेशी की दाद देता हूं, बहुत दूर की सोचते हैं आप। अगर दूर की सोचने की आदत नहीं होती प्यारे लाल, तो आज बनवारी लाल को बिहारी लाल कौन कहता। बेशक, लेकिन बिहारी बाबू आपने मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। आप तो जानते हैं कि आपकी सारी गेम में मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं। मैं तो सिर्फ संगीता देवी से शादी का सपना देखता। तुम्हारा ये सपना भी सच हो जाएगा प्यारे लाल, क्योंकि इसके बगैर मेरा मकसद भी हल नहीं होता। लेकिन जब तक संगीता बालिग नहीं होती उस वक्त तक मेरा गेम भी अधूरा है, और तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा। बिहारी बाबू, वो तो मैं कर ही रहा हूं। जब तक शादी ना हो जाए मैं संगीता देवी के इशारों पर नाचता रहूं, और संगीता देवी आपके इशारों। सुन ओ मेरी जान, मैं हूं बेकरार, तुम दिल में मेहमान हो, तुम हो मेरी नींद, तुम हो मेरा चैन, तुम तो मेरी जान हो। मेरा ये तराना, मेरा है फसाना, ओ मेरे दिल बल, जाने मन जाने मन, तुम दिन रात मेरे साथ इस दिल में आज रहते हो। मेरा ये तराना, मेरा है फसाना, ओ मेरे दिल बल, जाने मन जाने मन। ओ मेरे महबूब, मेरा है ये हाल,
सुन ओ मेरी जान, कहता है जहान मैं तेरे काबिल नहीं। वो दुनिया है ऐसी, इस दुनिया जैसी फुल पत्ती में है बिल नहीं। मेरा ये तराना, मेरा वो ससाना, ओ मेरे दिल भर जाने मन जाने मन। तुम दिन रात मेरे साथ इस दिल में रहते हो। मेरा ये तराना, मेरा है ससाना, ओ मेरे खाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम ना आए होते तो राम जाने कब तक सोया पड़ा होता। मगर अभी तो जाग उठा है ना, और मैंने इसे सारी बात ही समझा दी। बस आप इतना कीजिएगा, इसे तैयार करके घर से भेज दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, फिर ना सो गया तो जरूर भेज दूंगा। सो भी गया माँ जी तो इसे पानी डालकर जगा दीजिएगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते, तो मुझे कुछ जरूरी काम है वरना मैं इसे साथ ही लेकर जाता। अरे तुम भी तो बोलो कुछ मुझसे। अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो तुम दोनों चुप हो जाओगे। मेहरबानी करके आप यहाँ से जाइए, मैं करेक्ट 11 बजे पहुंच जाऊंगा। बस देखा ना, आप आया सीधे रास्ते पे। अच्छा भाई जी, मैं चलता हूँ। और हाँ भाई, शाम को लड्डू मंगा कर रखिएगा, आपके बेटे को नौकरी मिल रही है आज। दीपक, मैं तेरे कपड़े निकाल। आज जल्दी निकालो मां, जल्दी निकालो। नौकरी ओकरी समझे, अपन तो तेरे ही दास, चरणों के दास। यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ऑन द अर्थ। मीर नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी, क्या है? गुड मॉर्निंग, मैं आपको जगाने आया। मेरे सोने से कौन सा दुनिया का काम रुक गया था जो आपको इसकी जरूरत पड़ी? देखिए 10 बजे आपका रिहर्सल, 2 बजे रिकॉर्डिंग है, और शाम को 6 बजे नई डेस्क का ट्रायल है, और फिर रात को 9 बजे थिएटर। सुबह से शाम तक के काम गिनवा दिए, जैसे मैं इंसान नहीं मशीन हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, प्लीज गेट आउट। ऑलराइट, आर्टिस्ट होना भी मुसीबत है। जासूस साहब, मैं आपकी बड़ी तारीफ सुनकर आई हूं। बात यह है कि मेरी बच्ची बचपन से गुम हो गई है। मैं उसकी याद में अभी तक तड़प रही हूं। अगर आप उसे तलाश करते तो मैं आपको माला माल कर दूंगी। यह है 1000 रुपया पेश की, और बाकी बच्ची के मिल जाने पर मैं 10,000 और दूंगी। ये लीजिए।
मगर हम तो जासूस नहीं हैं। जी जी, इनका मतलब है कि हम ऐसी जासूसी नहीं करते। 10,000 तो हम सिर्फ नौकरानियां ढूंढ कर लाने का लेते हैं, अमीर लड़की की तलाश के लिए 50,000 है फीस हमारी। मुझे मंजूर है। हाँ, तो आपके पास आपकी बच्ची की कोई निशानी है? जी ऐसे तो उसकी कोई खास जरूरत नहीं। हाँ, हम तो बगैर निशानी के ढूंढने वाले जासूस हैं, फिर भी। ये लीजिए, मेरे गोद में मेरी बच्ची और इस तस्वीर के पीछे मेरा पता भी है। कितनी प्यारी बच्ची है आप, इसको तो जरूर तलाश करना पड़ेगा। मगर ये तो 20 साल पुरानी तस्वीर है, क्या आपकी बच्ची अभी तक गोद में खेल रही होगी? और कोई निशानी बताइए। हाँ, उसकी पीठ पर एक काला जन्म का निशान है। पीठ पर काला जन्म निशान है? लड़की की पीठ पर। ओह, लड़की की पीठ पर। मैडम आप जाइए, आपकी लड़की क्यों मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नो मेंशन। नमस्ते। सेठ मक्खनलाल। यस सेठ मक्खनलाल, इस बिजनेस में तो फायदा ही फायदा है। चलो, दुनिया की हर लड़की की पीठ देखना शुरू करो। वेरी गुड जासूसी। कम ऑन। यहाँ तो हर लड़की दो निशान ही नजर आते हैं। इतनी दूर से क्या नजर आएगा, करीब चल कर देखते हैं। अच्छा, तो तुम इधर से शुरू हो जाओ, मैं इधर से शुरू हो जाता हूँ। सुनिए बहन जी, एक काम है। क्या है? मैं एक लड़की की तलाश में हूँ जिसकी पीठ पर निशान है, तो लियो तारीफ जरा मैं देखूँ। बदमाश कहीं के? पता नहीं वो कौन बदमाश थे, मैंने तो उन दोनों की खूब मरम्मत की। और मैंने भी, मैंने तो ऐसा थप्पड़ मारा कि याद करेंगे बदमाश। शुक्र है वो भाग गए, वरना मैं दोनों का कचुम्बर कर देती। वो जो लड़कियों की सीट पर निशान देख रहे थे, उन दोनों को तो हमने मार कर भगा दिया। ये तो बहुत बुरा किया तुमने। क्यों? इसलिए कि एक करोड़पति ने अपनी सारी जायदाद एक ऐसी लड़की को दे दी है जिसकी पीठ पर निशान है। और हम दोनों की पीठ पर निशान है। कहाँ वो आदमी? अरे पीठ तो मेरी पर भी निशान है, जरा देखो तो। हाँ, मेरी पीठ पर मक्खन लाल। हाँ मक्खन लाल, ये जासूसी तो रात नहीं आई। मक्खन लाल, ऐसी कोई बिजनेस नहीं जिसमें पहले पहले नुकसान ना हो। अब क्या करें? ऐसा करते हैं, चल के कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखते हैं, उसमें से जासूसी का आइडिया मिलेगा। मगर आजकल तो जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म नहीं लगी। हाँ, एक थिएटर में जासूसी ड्रामा हो रहा है, शायद वहां से कोई आइडिया मिल जाए। वेरी गुड आइडिया। मैं सिर दबा दे। मेरा कौन दबाए? मैं दबाता हूँ। My love, the beauty of a flower, the shining of a star, the rhythm of a prose, the fragrance of a rose, that's you, my senorita.
fabulous, my Prince Charming. I love you. Fabulously fantabulous. I love you too, my senorita. My senorita. Oh. बोल श्यापति रामचंद्र की जय। हे भगवान, तू धन्य है, आज मेरे दीपू को नौकरी मिल गई हो। बस भगवान उसे थोड़ी सी बुद्धि और दे दे, वो नाचने वाले का भूत उसके सर से उतर जाए। आओ बेटा। कहाँ है राव साहब, सारा बना बना खेल बिगाड़ डाला है उसने। आज मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। दीपक, मगर आज सुबह से वो तुम्हारी तरफ गया हुआ है, क्या नहीं मिला तुमको? उसी का रास्ता देखते देखते तो शाम हो गई है भाजी। अफसोस तो इस बात का है कि नौकरी का चांस भी हाथ से जाता रहा, उन लोगों ने दूसरा आदमी रख लिया है। दूसरा आदमी रख लिया है, इसका तो मुझे पहले ही डर था बेटा। वो जाता कहीं और पहुंच कहीं जाता है। यह कोई नई बात थोड़ी है माँ जी, पहुंच गया होगा किसी सपनों की नगरी में। आप चिंता ना कीजिए माँ जी, मैं अभी उसे ढूंढकर भेजता हूं। रामचंद्र कहाँ चला गया? दीपक नाथ किसका नाम है भाई? अरे मैं पूछता हूं, दीपक नाम का कोई आदमी जाए? कमाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके दिमाग में जरा सा फतूर है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है मिस्टर आनंद, आप इसको ले जा सकते हैं। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। चलो दीपक, थैंक यू। चलो चलो, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस संगीता को हमेशा के लिए भुला दूंगा। मगर तुम हवाला की बात मेरी मान, अच्छी बात, लेकिन अब चलो बेचारी बात तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और चलो दीपक, अरे दीपक, दीपक अब क्या हुआ? चलो मैं कम्बल को छोड़ता हूँ, मगर कंबल मुझको नहीं छोड़ता। कंबल? हाँ, अरे यार, अगर सरकार फांसी के मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकती है तो तू एक दोस्त होकर अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ दो घंटे। तुम्हें क्या चाहिए? वो चाहिए आनंद। आनंद सर, वही सुनता। आज उसका आखिरी शो है, सिर्फ दो घंटे, उसके बाद मेरी सोवा। आनंद तू मेरा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। आनंद प्लीज आनंद, दो घंटा। आखिरी बार आनंद, मैं तुम्हें भेज देता हूँ, मैं आनंद। आनंद तू आनंद नहीं, अरे तू परमानंद है, तू देवानंद है। आनंद आनंद चल गया, हाय मेरा दिल, हो मेरे लिए हुई मुश्किल। हाय मेरा दिल, हाय 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 दिल दीवाना। हाय मेरा दिल, हाय 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 दिल। मचल गया, हाय मेरा दिल, हो मेरे लिए हुई मुश्किल। गली गली महफिल महफिल,
ही रहूंगा, चाहे सारी रात मुझे इसके घर के सामने क्यों ना बैठना पड़े। क्या बात है संगीता, नींद नहीं आती क्या? नींद आई भी तो कैसे, मेरी जिंदगी तो इस चार दीवारी से लेकर थिएटर के स्टेज तक ही रह गई है। बेटा, मैं जो चाहती हूँ वो कर नहीं सकती। तुम क्या चाहती हो? चाहती तो बहुत कुछ हूँ, मगर बेला बेला, तुम चाहो तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। वो क्या? ये बात से क्या आवाज सुन रही हो ना? ऐसे में नंगे पांव ठंडी ठंडी रेत में मैं घूमू और मुझे रोकने वाला कोई ना हो, मैं बेला एक घंटे में वापस आ जाऊंगी। मगर तुमको किसने पहचान लिया? तो किसी का तो रोना है। तुमको कोई नहीं पहचान सकता। वो कैसे? जो नए डांस की ड्रेस बनवाई है ना, वो बना किस दिन काम आएगी? ओ बेला, बेला तुम कितनी अच्छी हो, बेला तुम कितनी अच्छी हो। कौन हो तुम? अपन कोई भी है पर तुम कौन है? हवलदार, चौकीदार, थानेदार, अबे तुम तो खामोखा बिगड़ता है, हम तो सिर्फ ताबेदार है किसी के, इसीलिए तो खंबे कमाबे खड़ा आधी रात को यहाँ। तो अपने को क्या करना है? तुम जानो तुम्हारा काम, अपन जरा जल्दी में। जल्दी में? ओ भाई सुन तो, ओ भाई जरा सुन तो, ओए 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 ओए, भाई तुम तो खटखट खटखट भागता है और फटफट फटफट बोलता है, ये तो बता क्या तुम उसी घर में काम करता है? काहे को खाली पीली भेजा को? अरे बाबा हम पिंटो है, पिंटो एज घर का पुराना नौकर है, मैम साहब का ड्यूटी खलास करके हम समझदार को पास घूमने को जाते हैं। क्या समझे? क्या समझे? समझे मिस्टर पिंटो। अरे तुम इधर भी आ गए, आपका भेजा घुमाने। आए देखो हम तुमको बोलता है, अपन बहुत उल्टे मगज को छोक रहे हैं। क्या पॉकेट में कुल्ला पूरी चाकू रखा है? कुल्ला पूरी चाकू रखा है? कुल्ला पूरी चाकू रखा है? लो लो ये नारियल पियो। नहीं नहीं तो चलो भेल पूरी खाए। नहीं नहीं तो चलो चाय पिए चलकर। नहीं 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 हमको तुम्हारा चाय का कुछ नहीं मांगते, फोकट में गले पड़ता है। फोकट में नहीं गुरु, बात दरअसल बात कुछ मतलब की है। क्या मतलब? हाँ मतलब पहले हम तुमको थोड़ा 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 मस्का लगाएगा, उसके बाद अपने दिल की बात बताएगा। हमको क्या करना तुम्हारा दिल की बात से? अरे जरा बात को यार, कभी हम भी तेरे काम आएंगे। किसी ने कहा है कि दायां हाथ बाएं को धोता है और बायां दाएं को। अरे आदमी आदमी के काम नहीं आएगा तो क्या करना आएगा? एक काम कर देगा मेरा हाथ बाजू, हाथ बाजू। अब क्या काम है? काम काम तो बड़ा मामूली सा है, मगर मगर मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या? वो तुम्हारा मेहम साहब है ना? क्या हुआ हमारा मेहम साहब? अरे उनको क्या होने वाला है, हुआ तो हमें है। क्या हुआ? वो हुआ ये है कि उठता हूँ तो सर चकराए और अगर बैठता हूँ तो मेरा दिल घबराए और अगर लेटता हूँ तो कलेजा मुंह को आए, दिन रात उसके सपने देखता हूँ। हमारा मेम साहब का अक्खा हिंदुस्तान सपना देखता है, पर इसके आगे तुम कुछ बोला ना तो चाकू मार देगा। अरे सुनो मेरे बाप, अक्खा हिंदुस्तान का बात दूसरा है, वो लोग तो सिर्फ दिल फेंकते हैं आहें भरते हैं, मगर मगर मैं तो उसकी पूजा करता हूँ, दिन रात उसके नाम की माला जपता हूँ, उसके सपने देखता हूँ, यहाँ तक कि मेरी माँ और मेरा दोस्त मुझे पागल बोलते हैं। टिकट तो बोलता है, आज हमारा मैम साहब का पास नाम है, दौलत है, मोटर है, बंगला है, कौन उसका पूजा नहीं करेगा, सब करेगा। अरे हमको नहीं चाहिए तुम्हारे मैम साहब की दौलत, नहीं चाहिए उसका बंगला, नहीं चाहिए उसकी मोटर,
अरे हम तो उल्टा उसकी जिंदगी बनाने की कोशिश में, उसे स्टेज की दुनिया से निकालकर मैं उससे शादी रचाऊंगा, अपने घर में लाऊंगा, अपने माँ की सेवा और घर का कामकाज कराऊंगा। आज तक वो सिर्फ नाटक की रानी थी, अब मैं उसे दिल की रानी बनाऊंगा, अपने सर का ताज और अपने घर की लाज बनाऊंगा, सारा जीवन उसको राज कराऊंगा। मिस्टर पिंटो, मिस्टर पिंटो, तुम्हारा ड्रीम तो बहुत अच्छा है, पर बिल्ली का गले में घंटी कौन मानेगा? ये ड्रीम नहीं मिस्टर पिंटो, ये सच्चाई है, सच्चाई। सिर्फ एक बार मुझे मिल जाए, बस फिर देखना। मगर मगर वो तो क्या, उसका ऑटोग्राफ भी नहीं मिलता। अरे इतना सा काम तो अपन भी तुम्हारा करा सकता है, मेम साहब अपन का कोई बात नहीं डालता। अरे अरे जियो मिस्टर पिंटो, जियो मिस्टर पिंटो, ऑटोग्राफ बुक, ठीक है, जब फजर में हम ड्यूटी को जाएंगे ना, मैम साहब का ऑटोग्राफ ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे, प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। क्या हुआ? मैं अपना पर्स लक्की टेबल पे भूल आई, प्लीज आप ले आएंगे? ओके ओके, थैंक यू। May I have your autograph, please? Yes. मगर ये रही आपकी autograph। Thank you very much. पिंटो कभी झूठी सिफारिश नहीं करेगा, जो वादा करेगा उसको पूरा करेगा। पिंटो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे जरा उससे मिलवा दीजिए ना। आप उसी से बात करें जी। आप पिंटो, autograph वाले बहुत परेशान करते हैं, जहाँ देखो वहाँ चले आके। उसकी बात तो छोड़ो बेटा, मगर तुमने भी कोई खबर नहीं की। वो भला मानस रात भर घर नहीं आया, मेरी तो जान ही सूली पटका के रखी है। कसूर उसका नहीं है माँ जी, मेरा है। दरअसल रात को उसको मैंने अपने यहाँ ही रोक लिया। तो क्या वो तुम्हारे पास था? जी हाँ, वो बिल्कुल मेरे पास ही था। फिर तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? साथ माँ जी, दरअसल बात यह है, आप तो जानती हैं उस दिन को कितनी देर तक सोने की आदत, मुझे जरा बहुत जरूरी काम था इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। आप फिक्र न कीजिए माँ जी, वो बस आता ही होगा। अच्छा जी, तो आप पहले से यहाँ विराजमान हैं श्रीमान जी। दीपक रात को मेरे यहाँ रहे और तुमने ये क्यों नहीं बताया कि माँ से लड़के नहीं आए? देखो ना बेचारी सारी रात जागती रही। अरे सारी रात तो मैं भी जागता रहा हूँ सोनियों, रतिया बिताई प्यारे तारे गिड़गिड़। तुम्हारा रात को पलंग पर लेटते ही सो गए, क्या बताए? यूँ क्यों नहीं कहते कि रात को सपने नहीं देखे? अरे जब सपने हकीकत में बदल जाते हैं तो जिंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। शायरी वायरी बाद में कर लेना, पहले माँ से अपनी भूल की माफी मांग ताकि उसे तसल्ली। मुझे माफ कर दो, मेरी तसल्ली तो हो गई बेटा, लेकिन इसी चिंता में सुबह से अभी तक मंदिर नहीं गई। अरे तो रोका किसने है, चली जाओ ना। अच्छा हाँ। और सुनो माँ, जरा अपने भगवान से मेरे लिए भी मस्का पालिश मार देना, जरा अपना भी कल्याण हो जाए। चुप है, चुप देखो बेटा, माँ के सामने तो मैंने भी झूठ बोल दिया, लेकिन अब बताओ कहाँ कहाँ थी ये सारी रात? सारी रात जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। फिर भाई शायरी, मैं पूछता हूँ कहाँ रहे हो रात पर? देखो तुमने मुझसे वादा किया, तुमने कसम खाई खाई, अगर तुम्हारी संजीता का नाम तुम्हारी जबान पर आया तो मैं तुम्हारे हड्डी पसली कर दूंगा। डायलॉग तो बड़े जोरदार बोलते हो, मगर क्या करो, उसी का नाम तो मेरी जिंदगी है, वही मेरी मुक्ति है, मेरी आत्मा है आत्मा। क्या समझे नहीं समझे? इतने बड़े हो गए हो दीपक, ना कोई काम है ना कोई धंधा, जिंदगी किस तरफ करवट लेना चाहती है ये भी नहीं जानते। आखिर तुम करना क्या चाहते हो, वो कौन सी ऐसी चीज है जो तुम में और उसमें सांझी है? सांझी? हाँ जी सुनो, मोहब्बत के सपने। ये देखो क्या लिखती है, लिखती है लव इज ए ड्रीम, मोहब्बत एक ख्वाब है, प्रेम एक सपना है। तुम्हारा तुम पागल हो गए हो, पागल पागल। ओ बस कयामत हो गई, ओ बस कयामत हो गई, एक हसीन नाजनी
से मोहब्बत हो गई हो, बस कयामत हो गई। अपनी खो गई, दिल लगी में दिल गया। नींद अपनी खो गई, दिल लगी में दिल गया। और दीवाना हमें नाम यारो मिल गया। हुस्न की इश्क पे ये इनायत हो गई हो, बस कयामत हो गई। हम ख्यालों में मिले यूं मुलाकातें हुई। होठों पे ना आएंगी उनसे जो बातें हुई। बस यही जान लो दुनिया जन्नत हो गई हो, बस कयामत हो गई। हो गए खामोश हम बेजुबानों की तरह, हो गए खामोश हम बेजुबानों की तरह। बात लोगों में चली ये फसानों की तरह। हर जुबान हर नजर को शिकायत हो गई हो, बस कयामत हो गई हो, बस कयामत हो गई। एक हसीं नाजनी से मोहब्बत हो गई हो, बस कयामत हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैडी। आओ बेटी आओ। क्या बात है, आज देर से आपको नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह काम करती रही डैडी तो एक दिन जरूर खराब हो जाएगी। ऐसा ना कहो बेटी, अभी तो शोहरत के साथ में आसमान पर पहुंचने का वक्त आया है। मुझे शोहरत और नाम नहीं चाहिए डैडी, मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें सुकून और आराम मिल सके। बेटी आराम के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये नाम और शोहरत हवा का ऐसा झोंका है जो आता है और गुजर जाता है। आज तुम्हारा दुनिया में नाम है, तुम्हारी कद्र है, लोग लाखों रुपए तुम पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। अब आज ही देख लो ना, बैठे बिठाए ये खत आया है, 10 लाख रुपए का ऑफर है। 10 लाख? 10 लाख तो क्या, अगर हम अकलमंदी से काम लें तो इससे भी ज्यादा मिल सकते हैं। आखिर ये सब क्या है? बेटी यही बताने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। लखनपुर स्टेट के राजकुमार हैं, उनकी एक कंपनी है, वो तुम्हें बुक करना चाहते हैं सारी दुनिया के टूर के लिए। संगीता जी, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप ये एग्रीमेंट साइन कर लें तो सिर्फ 3 महीने काम करने के बाद पूरा 1 साल इत्मीनान से किसी हिल स्टेशन पर जाकर आराम कर सकते हैं। प्यारे लाल, तुम तो हर चीज बिजनेस की तराजू में तोलते हो,
अरे भाई इतनी बड़ी रकम यकमुश्त मिल जाए तो फिर काम करने की जरूरत क्या है, सारी जिंदगी आराम कर सकती है मेरी बच्ची। क्यों बेटी? अब जैसा आप ठीक समझे, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि दिन रात कठपुतली की तरह काम करते करते मैं थक गई हूँ बेटी। तुम ठीक कहती हो बेटी, आज अगर मैं चलने फिरने काबिल होता तो तुम्हें इस तरह कठपुतली बनकर स्टेज पर नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो खुश शर्मिंदा हूं बेटी, तुम्हारे कंधों पर बोझ बनकर जी रहा हूं। ऐसा मत कहिए डैडी, मैं आपका बेटा नहीं, लेकिन बेटी तो हूं। जैसा आप ठीक समझे वैसा ही कीजिए डैडी। जीती रहो, जीती रहो बेटी। चलिए चलिए डैडी, दूसरा टाइम हो। ओह हाँ, चलो बेटा, ओके बाय। और सुनो प्यारे यार, सुबह कमर साहब का ट्रंक कॉल आया था, वो आज शाम के प्लेन से 5 बजे यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके ठहरने का पूरा इंतजाम कर देना। ओके बिहारी बाबू। ला मेहरबान तो गधा पहलवान। वेलकम कमर साहब, वेलकम। आप जी? मेरा नाम प्यारेलाल है, मैं संगीता देवी जी का बिजनेस मैनेजर। ओह नाइस टू मीट यू। चुमी है जी। हमारी पर्सनालिटी तो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। ये हमारे सेक्रेटरी में से एक मिस्टर मखेलाल। बड़ी खुशी आपसे मिलकर। माफ कीजिए बिहारी लाल जी, आपको मिलने के लिए बहुत बेचैन है। चलिए अंदर। हमें भी बड़ी बेचैनी हो रही है जी। बात ये कि देशभक्ति में बहुत दफा अंदर जा चुके हैं, आप समझ गए ना। चलिए अंदर सिखाइए। तशरीफ रखिए प्यारी लाल जी। जाओ संगीता को बुलाओ। जी नहीं, मैं सोचता हूँ कि अभी उन्हें तकलीफ मत दें, पहले बिजनेस की बात कर लें। कुमार साहब बिजनेस की बातें तो होती रहेंगी, आज नहीं तो कल। मेरा ख्याल है आज आप आराम कीजिए। बिल्कुल ठीक है हजूर ने, कमर साहब को आराम की सख्त जरूरत है और इनको सोने की आदत भी है। ये तो कला की कदरदानी है जिनको यहाँ खींच लाई, वरना 2-4 लाख का नुकसान हो जाए या नफा हो जाए इसका इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी रकम तो ये गरीबों में बांट दिया करते हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं, इसीलिए तो मसल मशहूर है कि राजा के घर में मूर्तियों का काल नहीं होता। चलिए आइए हुजूर, तशरीफ ले चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक पहुँचा। तशरीफ ले चलिए, आइए। मखनलाल जी, हम कैसे लग रहे हैं? किसी स्टेट के निकाले हुए प्रिंस। जी हम कैसे लग रहे हैं? किसी निकाले हुए प्रिंस का रखा हुआ सेक्रेटरी। अब चलो इंतजार हो रहा है, होने दो। याद रखो, एक्टर प्रिंस और लीडर जब तक लेट नहीं पहुंचे उनकी बड़ाई नहीं हो सकती। हर लीडर जलसे में पहुंचने से पहले जानबूझकर लेट होता है। छोटा लीडर 1 घंटे तक लेट हो सकता है, बड़ा लीडर 11 घंटे तक लेट हो सकता है। हम कितना लेट होंगे? 11 मिनट। और देखो हाँ। वो संगीता को देने के लिए तोहफे ले लिए। ले तो लिए हैं, मगर झूले से सिर्फ दिखाने के लिए लिए हैं। ये देखिए, अगर संगीता को दे दिए तो वापस कैसे लेंगे? घबराओ मत, हम देना कम सीखे हैं लेना ज्यादा। बहुत देर लगा दी कुमार साहब, तुम नहीं समझते प्यारे लाल, इन लोगों में ये बातें न हो तो इन्हें राजा कौन कहे। भाई ये तो अपनी नींद सोते हैं और अपनी नींद जागते हैं। डैडी। हाँ बेटी। आपके कुंवर साहब का और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। कुछ देर तो ठहरो बेटी। नहीं डैडी, चलो बेला। ये कुंवर साहब उल्टे दिमाग का ही मालूम होती है। हम उल्टी बातें नहीं करेंगे तो हमें राजा कौन माने। मखनलाल हजूर, तोहफा पेश करो। आपकी तारीफ। ये हमारी सहेली और सेक्रेटरी बेला है। दूसरा तोहफा भी पेश करो। हजूर इनको मैं अपनी तरफ से पेश कर दूं? वो 10,000 हार कहाँ है? योर हाइनेस आप हर बात भूल जाते हैं, कल ही तो हवाई जहाज में आपने एयर होस्टेस को तुलवाया था। ओ, याद आ गया। संगीता देवी अभी आपको यही कबूल करना पड़ेगा, हालांकि ये 2,000 की माला देते हुए मुझे शर्म आती है। कल आप हमारे साथ दोहरी की दुकान पे चलेंगे जहाँ आपकी शान की छाया तोहफा पेश किया जाएगा। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए,
आप खामखा की जहमत फरमा रहे हैं। मखनलाल रवानगी की तैयारी करो, जब हमारा आदिया कबूली होगा हम वहाँ बिल्कुल नहीं ठहरेंगे। नहीं नहीं कमर साहब, अभी ये बच्ची है, बेटी कमर साहब को नाराज नहीं करते, ले लो हाथ। शुक्रिया, चलिए खाना नोश फरमा लीजिए। एक शर्त पर, कल आपको हमारे साथ जौहरी की दुकान पर जरूर चलना। क्यों नहीं, जरूर जरूर, आइए तशरीफ लाइए। की कोई बात नहीं, जिस तरह इंसान की दो टांगे होती हैं उसी तरह मेरे पास दो कुर्सी हैं। बहुत खूब। लेकिन दरवाजा बंद था, आप अंदर कैसे आ गए? यही तो हम कहने आए, आपके घर के दरवाजे बंद होते हुए भी खुल जाते हैं। हमारे पास ये नौलखा हार था, सोचा आपको दे आए ताकि आप इसे हिफाजत से अपनी तिजोरी में रखें। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, आधी रात आपको तकलीफ दी इसकी माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इस तरह तो हर आधी रात को कोई तकलीफ दिया करे तो खुशी की बात होगी। अब कैसी तबीयत हमारी? घबराने की कोई बात नहीं, सर्दी की वजह से बुखार हो गया, मैं दवाई लिख देता हूँ, किसी भी केमिस्ट की दुकान से ले और शाम तक आराम आ जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर जी। डॉक्टर इसे मुझे दे दो, मैं ले। नहीं आनंद, तुम माँ का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर साहब को ले जाता हूँ, दवाई भी ले आऊंगा। माँ कुछ पैसे दे देना, 5 रुपया ले, और चाहिए तो कब्र से ले देना। और क्या करने माँ, दवाई तो 2 रुपए में आ जाएगी। चलिए डॉक्टर साहब, जरा जल्दी आना, मुझे दफ्तर भी जाना। बस गया और आया, टैक्सी में देर थोड़ी लगती है। अच्छा माँ, हमने सुना था कि मुंबई में बड़े बड़े जौहरी हैं, मगर ये तो कुछ भी नहीं। जौहरी की दुकानें देखनी हो तो आप कलकत्ते में देखिए। आप कभी कलकत्ता गई? जी नहीं, मगर जाने को दिल बहुत चाहता है, मैं वहीं पैदा हुई थी। अच्छा, तब तो वो शहर आपको बहुत याद आता होगा। याद तो बिल्कुल नहीं, मेरे पैदा होते ही डैडी मुझे यहाँ ले आए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ मेरी माता जी की मौत हो गई थी, इसलिए डैडी ने वो शहर ही छोड़ दिया। हमें मालूम नहीं था कि बिहारी बाबू अपने दिल में इतना दर्द छुपाए बैठे। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत से लोगों ने घेर रखा था, अगर आपकी टैक्सी नहीं मिलती तो बहुत परेशानी हो जाती। आप कहाँ जा रहे हैं? जी जी, आपको देखकर तो ये भी आदमी रहा कि मैं आ रहा हूँ या जा रहा हूँ, मगर आप मुझे ये तो बताइए कि आपको कहाँ जाना है। काश मुझे मालूम होता कि जिंदगी में मुझे कहाँ जाना है। कमाल है कमाल है,
आपको ये भी पता नहीं कि आपको कहाँ जाना है, तो फिर चलिए ना मेरे साथ, मैं आपको हर जगह घुमाऊंगा। सच आपको हाँ हर जगह घुमाऊंगा। ड्राइवर ड्राइवर जल्दी करो यार, अरे जल्दी करो, अरे जल्दी यार। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जी सर, ऐसी दांत मैंने आज तक नहीं खाई। सच? तो और खाए ना ये भाई। बस बस बस, आपको जी चाहता है किसी ईरानी होटल में बैठकर गरम गरम चाय पियो। तो भी चलिए, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। ये भैया कितने पैसे हुए? 12। बस चलो, चार आने आप रख लो इनाम। थैंक यू सर। नहीं चलिए। और आलू तो मुझे बहुत पसंद है। वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले चाय खाने की तरफ करवान, ये होटल वाले भी अजीब है यार, 100 रुपए का चेंज नहीं रखते। एक 10 का नोट देना, मीटर पर चढ़ा लेना। चंगा बादशाह, हेलो बोली कितनी तक है लेकिन शाबाश करो। मुझे आपको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। कोई बात नहीं, सब ठीक तो है। अजी जी फिलहाल तो ठीक है। कितना हुआ? 3 रुपए आ गया साहब। अरे आपने कुछ खाया नहीं? ये खाइए ना। बहुत खा लिया, अब तो कहीं और चलिए। हाँ सबसे सबसे बहुत जल्दी करो। प्यारे लाल, अभी तक न संगीता का पता है न कमर साहब का, कहाँ चले गए हैं ये लोग? मुझे खुद हैरानगी है, इतनी देर में नेकलेस तो क्या पूरी जौहरी की दुकान खरीदी जा सकती है। आज का दिन तो बड़े मजे से गुजरा, जुगू की चाट, आलू की भजिया, चाय और पेस्ट्री। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी आपसे मुलाकात हो गई। देखिए ना, मेरा तो अभी आपसे जुदा होने को दिल नहीं चाह रहा है। तो फिर आइए ना, मैं आपको अपने डैडी से मिला दूँ, खाना खा के जाइएगा। चलिए आइए। खाना तो बाद में खा सकता हूँ, मगर ये टैक्सी छोड़ दीजिए, मेरी गाड़ी आपको घर पहुँचा लेगी। जी आप समझी नहीं, अगर मैं टैक्सी छोड़ भी दूँ तो ये टैक्सी वाला मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों? मेरा मतलब है मैं किसी गरीब के पेट पर लात के मार सकता। कितने अच्छे ख्याल आते हैं। जी हाँ, फिर कब मिलोगी? कल। कहाँ? मेरे पास। कितने बजे? 11 बजे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। घड़ी घड़ी हॉर्न बजाता है यार, बात भी नहीं करने देता। और ले आ बाबू 100 का नोट कट, उधर छुट्टा करेंगे अपन, 60 रुपए का बिल हो गया। 100 का नोट ना? हाँ। 100 का नोट तो कहीं गिर गया यार। अरे अप्पा भी चोर दे, घर से ही पहुंचे रहे ने। चल फिर चल बैग गली। गुड इवनिंग डैडी। संगीता, मैं जानती हूँ मुझे बहुत देर हो गई, आप चिंता भी कर रहे होंगे। चिंता की बात नहीं तो और क्या, कहाँ चली गई थी? और वो कंवर साहब कहाँ है? जी कंवर साहब? हाँ। वो दरअसल बात ये है, दरअसल बात ये है कि आप बेचारी को खामखा बहाने करने पे मजबूर कर रहे हैं। हम जरा सैर वैर के लिए जुहू बीच पे चले गए। जुहू बीच? आपको इतराज है? जी नहीं, इतराज तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप टेलीफोन कर देते तो हम लोगों को इतनी परेशानी ना होती। ये आपने ठीक कहा, मगर इससे भी ज्यादा परेशानी हमें इस बात की है कि आज भी आपका एग्रीमेंट ना होता। छोड़िए एग्रीमेंट को, फिर किसी दिन हो जाएगा। चलिए खाना तैयार है। बस नहीं, खाने की आज बात मत कीजिए, आज तो इतना खाया कि क्या खाऊं। जू के चाट, आलू की भजिया और चाय के साथ ना जाने क्या क्या, इनसे पूछिए ना। हाँ डैडी, आज मुझे भी बिल्कुल भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जाऊँ। सुनिए, ये अपने 10,000 वाली माला तो लेते जाइए, जो जौहरी की दुकान से ली थी। शुक्रिया। बहुत अच्छी बेटी आपकी बिहारी बाबू, इतनी बड़ी कलाकार और तबीयत में इतनी सादगी। हम समझते हैं कि इनकी माँ भी ऐसी देवी हों। जी, जी, ये वो बिल्कुल देवी थी। काश आज वो जिंदा होती तो अपनी आंखों से देखती। अरे आपकी आंखों में तो आंसू छलका है, मगर तजुब है कि
इस घर में आपने उनकी एक तस्वीर भी नहीं लगाई? बस यही तो बात है कौन साहब, दरअसल बिहारी बाबू हमेशा उनकी याद पर जज्बाती हो जाते हैं, इसलिए उनका घर में जिक्र तक नहीं। समझे? समझ में नहीं आता उसका क्या होगा मेरे बाद। बीमार माँ के लिए दवाई लेने गया था। लीजिए वो आ गया। अच्छा माँ जी आप उसे कुछ मत करिएगा, मैं खुद उसे ठीक कर लेता। आनंद ये रही माँ की दवा, माँ की दवाई तो उसमें भी ले आया था जाकर। क्या बताओ क्या हो गया रखा है? कपड़े कहाँ है तुम्हारे? वो कपड़े टैक्सी ड्राइवर के पास। टैक्सी ड्राइवर? आज तक बोलो आनंद, कहीं माँ ने सुन लिया तो मेरा कलाकंद बना देगी। तुम्हारी भला, माँ बेचारी घर में बीमार पड़ी और तुम हो तो तमाम तो चक्षे में घूमते रहे, शर्म होनी चाहिए तुम्हें। अरे यार घूमा नहीं घुमाया गया हूँ, बड़ी लंबी कहानी है, तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अरे मेरा दिल हैरान तो मैं तुम्हें देखते ही रह गया। दीपक तुम जरूर पागल हो गए, चलो अंदर चलो अंदर। अरे अरे अंदर चलो। देखिए मां जी अपने लाले की कद्दू भेजा घूम गया है इसका, पागल हो गया है। रो मत मां, मैं पागल नहीं हूँ मां। हाँ हाँ पागल तुम नहीं, पागल तो हम। कल अगर डॉक्टर के पास तुझे घसीट कर ले गया तो मेरा नाम भी आनंद नहीं। माँ मेरी सुनो तो माँ, न रो माँ, मैं सचमुच मैं पागल नहीं हूँ माँ, बात में पागल बना गया हूँ, मेरी बात तो खराब। वाह वाह आपके पहनने से हमारे तोहफों की शोभा बढ़ गई। शुक्रिया। आपकी इस तैयारी से पता चलता है कि आपको पहले से उम्मीद थी कि हम आपको घुमाने ले जाएं। जी नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं इस वक्त घूमने नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मेरी एक सहेली बहुत सख्त बीमार है, मुझे उसे देखने म्युनिसिपल हॉस्पिटल जाना है। वाह वाह ये तो और भी अच्छा हुआ, हमारा एक दोस्त भी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में बीमार है, हम उसे देख डालेंगे, आइएगा। मैं तो भूल ही गई, मेरी सहेली म्युनिसिपल हॉस्पिटल में बीमार नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीमार है। आपने म्युनिसिपल हॉस्पिटल कहा ना तो जल्दी में हम भी म्युनिसिपल हॉस्पिटल कह गए, असल में हमारा दोस्त भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीमार है, चलिए उसे देख डालेंगे। कौन मर गए? मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, वो मेरी सहेली थी ना वो बेचारी मर गई, मुझे उसकी अर्थी में जाना है। मगर अब आप ये मत कहिएगा कि आपका दोस्त भी मर गया। ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, और अगर हमारे दोस्त मर भी जाएं तो हम उनकी अर्थी पर जाने वाले नहीं। तो मैं जाऊं? हाँ मगर सुनिए सहेली की अर्थी पर ये हार पहन कर जाना अच्छा नहीं है, इन्हें उतार डालिए। थैंक यू ये भी। और अभी तो आप सहेली के गम में बहुत दिन ये हार पहन भी नहीं सकेंगे, क्यों ना हम ही रख लेंगे। आप ही रख लीजिए। अच्छा जी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ओहो क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है आनंद, मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हों की मेरी एक नहीं सुनते। सॉरी तो ये नौबत हो गई, चलो बैठ जाओ चुपचाप। अरे क्या बैठूं मैं, कोई दूध पीता बच्चा हो जो बैठकर उनका चूचू, मुझे देर हो रही है। देर हो रही है तुम्हें किस चीज की? देर हो रही, देर तो मुझे हो रही, लेकिन आज मैं तुम्हें डॉक्टर को बता कर ही जाऊं। बैठ जाओ। अरे छोड़ यार। क्या टाइप हो रहा है प्यारे लाल? संगीता की बहुत सारी फैन मेरे इकट्ठी हो गई थी, मैंने सोचा जवाब ही दे दूं। अब प्यारे लाल कल संगीता का जन्मदिन है, मैं सोचता हूं एक शानदार पार्टी दे दी जाए और इसी बहाने कमल साहब से एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा। एग्रीमेंट? बिहारी बाबू मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है। काला? आज तीन दिन हो गए कुंवर साहब को यहां आए हुए, सुबह चले जाते हैं और शाम को छड़ी घुमाते वापस चले आते हैं, एग्रीमेंट की कुछ बात ही नहीं करते। माफ कीजिए बिहारी बाबू, आप ही सोचते होंगे किस लापरवाह से वास्ता पड़ा है, सारा दिन घर से गायब रहता है, ये आपका एग्रीमेंट, तीन घंटे सोलिस्टर के पास बैठना पड़ा वरना आज तैयार ना होता। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, आज नहीं तो दो दिन के बाद हो जाता। जी नहीं बिल्कुल आज, बुलाइए मैडम संगीता को, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा। लेकिन संगीता तो घर में नहीं है। जी हमने क्या सोचा है वो सुन लीजिए। जी कल संगीता का जन्मदिन, घर में पार्टी है, क्यों नहीं एग्रीमेंट उस खुशी के मौके पर साइन किया जाए। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। मखन लाल कल के मुहूर्त का हिसाब निकालो तो। कल का दिन तो बहुत अच्छा है, मुहूर्त का टाइम निकालना पड़ेगा संगीता की जन्मपत्री देखकर। जी हाँ उनकी जन्मपत्री देखी। जन्मपत्री? लेकिन मुहूर्त के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है, मैं तो इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता। आप बजा फरमाते हैं मगर हमें तो मुहूर्त के बिना कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। राजमाता
लेकिन अगर जन्म पत्री न हो तो? कोई बात नहीं, आप जन्म का टाइम बता दीजिए, मैं बाकी समय खुद लगा दूंगा। और अगर वो भी न मालूम हो तो? मेरा मतलब है कि ये बातें तो औरतों को याद होती है, तारीख मुझे मालूम है। फिर तो हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है मक्खनलाल, तुम हमारी जन्म पत्री के हिसाब से मुहूर्त निकाल लो। तो योर हाइनेस, आपकी जन्म पत्री के लिहाज से कल का दिन तो बहुत अच्छा है, मगर टाइम थोड़ा है, 32 घड़ियां 16 पल, 4 से 9 बजे तक बस। कोई बात नहीं, इतने टाइम में तो 10 एग्रीमेंट हो सकते हैं। तो बिहारी बाबू, कल एग्रीमेंट होगा 4 बजे से लेकर 9 बजे के अंदर। बेहतर है। नेक्स्ट पर्सन प्लीज। यस डॉक्टर। चलो दीपक, तुम्हारी बारी है। चलो, बारी नहीं बीमारी है, पता नहीं किस मनुष्य की सूरत देखने की आज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। ये मेरा दोस्त है, इसका दिमाग कुछ खराब। डॉक्टर साहब ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। जिगर में हिद्दत है, घबराहट की जिद्दत। डॉक्टर साहब दिल का बुखार है, मुझे किसी से प्यार है, जान के लाले हैं डॉक्टर साहब, 11 बजने वाले। अरे समझ गया, ले जाओ टेबल पर। मगर डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल आराम रखते हो जी। डॉक्टर साहब देखिए, टंग ट्विस्टर, 1 2 2 4, 4 कचरे कच्चे 4 कचरे पक्के, और पक्के कचरे कच्चे 4 कच्चे कचरे पक्के, कच्चे कचरे पक्के। ग्यारह, कभी बिजली कभी बादल कभी तूफान से खेला, कभी सहमत कभी रहमत कभी शैतान से खेला, आशिक हूँ हकीकी नहीं डरता मैं किसी से, गर्दन को कलम कर दे मेरी चाहे खुशी से। साहब जी गुलाम, इससे पहले कि तुम्हारी रूह कब सेंचुरी से प्रवास करके जहन्नम रसीद हो जाए, हम तुम्हें एक और आखिरी मौका दे सकते हैं। हम तुम्हें एक और मौका देते हैं कि शहजादी ये आलम के ख्याल दिल से निकाल। सच्चे आशिक सर पर कफन बांध कर पैदा होते हैं जालिम, वो कभी इश्क पे तौबा नहीं करते। चलो ये बकवास, अहमद पूरा दोस्त नाकूर की कसर। शहजादी आलम जिंदाबाद, शहजादी आलम जिंदाबाद। वजीर आलम, क्या हम पूछ सकते हैं कि ये खूबसूरत नौजवान कौन है? एक अदरा गुलाम है शहजादी आलम। और इसकी खता? ये गुस्ताख शहजादी आलम की यकतरफा इश्क में गिरफ्तार, और इस नापाक आरज़ू की तकमील के पास देख देख कर आपके नाम पर कीचड़ उछालता है। हमारे साथ देख। बेशक इश्क एक चौखट है जिस पर हुस्न की बुनियाद है, सारे आलम का जनू है एक हसी फरियाद है, क्या हकीकत हुस्न की जो इश्क से महरूम है, दिले आशिक दर हकीकत इसलिए मगमूम है। मरहबा मरहबा, क्या सदाकत है, यानी दरिया को बंद कर दिया है कूजी में। वजीर आलम इसे रिहा कर दिया जाए, नहीं तो ऐसे सच्चे आशिक की मौत के बाद सारा आलम मोहब्बत के नाम से हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा। गुस्ताखी माफ हो शहजादी आलम, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। शाही वक्कार की तोहीन करने वाले को सजाए मौत मिलनी ही चाहिए। अहमद उड़ा दो उसे माकूल की कतर। गुड मॉर्निंग जयराम जी की मन की बातें ज्योतिष रमरफाल। माफ करो बाबा। हम माफ नहीं करते देवी, हम तो मन की चिंता साफ करते हैं। तेरे माथे की लकीरें देख के बता सकते हैं कि तेरे मन में क्या चिंता है। ये लो और पीछे छोड़ो। हम भिक्षा नहीं लेते देवी, पहले कुछ करके दिखाते हैं फिर तेरी नकदी को हाथ लगाते हैं। जिसको तेनू मिलना है वो अवश्य आवेगा, और तेरे निराशा के अंधेरे में दीपक जलावेगा। दीपक, ये तो उसका नाम है, आप कैसे जानते हैं? आप बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं महाराज। सब तो वड्डा ज्ञानी हम नीचे वाले नहीं देवी, वो ऊपर वाला है। आप दीजी माता का स्वर्गवास हो चुका है ना? जी हाँ। तो फिर कैसे कल्याण होगा, दिखाओ हाथ। ओहो, दूजे घर में मंगल और चौथे घर में दंगल, पिता से लाभ होना बहुत मुश्किल है, तुम्हारा कल्याण तो कोई माता ही कर सकती है। मगर मेरी माता तो नहीं है महाराज। और तुम्हारी माता नहीं है तो संसार में किसी और की माता नहीं है? दीपक दी माता से मिली हो? जी नहीं। तो फिर कैसे कल्याण होगा, जल्दी से पहले उनका आशीर्वाद लो, तुम्हारे मन की सब मुरादें पूरी हो जाएंगी। अच्छा महाराज, आज ही जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, आज नहीं देवी, उसको मिलना है तो मिलो कल, 32 घड़ियां 16 पल।
32 घड़ियां 16 तक सारे अंग्रेजी टाइम में कल शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक। कल शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक तो मेरे घर में पार्टी है, मेरा जन्मदिन है महाराज। जन्मदिन की बत्तियां जलाओगी तो मन के मुरादों का दीपक बुझ जाएगा, ये सोच लो। अच्छा अच्छा, जो आपकी आज्ञा। जो तश्रमल फाल ला दे दी उन सानू साडा माल। गुड मॉर्निंग जयराम जी की, मन की बात आ ज्योतिषरमल फाल। छोड़ो मेरा हाथ। नाराज हो गई संगीता, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, दरअसल मेरे दोस्त ने मुझे घेर लिया था, समझी ना। कसूर कोई करे और सजा मुझे, तो फिर मुझे तुम कोई सजा दे दो। तुम्हें तो ऐसी सजा दूंगी, ऐसी सजा दूंगी कि याद करोगे। क्या सजा दोगी? जो माफ किया। दीपक, तुम्हारे आने से पहले एक जोशी कह रहा था कि क्या कह रहा था? कह रहा था तुम्हें कोई लड़का मिलेगा। लड़का मिलेगा? आओ, वो तो मिल गया, मिल गया। और कह रहा था वो लड़का तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। संगीता, मैं तुम्हें दुनिया वालों से बहुत दूर ले जाऊंगा। सच दीपक? हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे पीछे जिंदगी भर आंखें बंद करके चलने को तैयार। जिंदगी भर आंखें बंद करके? हाँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ भरोसा है। तो फिर बंद करो आंखें। आंखें बंद करो? हाँ करो 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 ना। अच्छा, लो आप पकड़ो मेरा हाथ। इजाजत हो तो मैं कुछ आपसे गुस्ताखियां कर लूं, इजाजत हो तो मैं कुछ आपसे गुस्ताखियां कर लूं, चुरा कर शोखियां आंखों की अपना दिल जवां कर लूं, चुरा कर शोखियां आंखों की अपना दिल जवां कर लूं, इजाजत हो तो मैं कुछ आपसे गुस्ताखियां कर लूं। बड़ा ही शौक है ये आफताबी रंग होठों का, बड़ा ही शौक है ये आफताबी रंग होठों का, अगर मिल जाए थोड़ा सा गुलाबी रंग होठों का, गुलाबी रंग होठों का, तो सदके हुस्न के रंगीन अपनी दास्ता कर लूं, चुरा कर शोखियां आंखों की अपना दिल जवां कर लूं, इजाजत हो तो मैं कुछ आपसे गुस्ताखियां कर लूं। अगर आता है आंखों को तुम्हारी तीर बरसाना, अगर आता है आंखों को तुम्हारी तीर बरसाना, तो मैं भी जानता हूँ प्यार की राहों में मर जाना, इन्हीं राहों में मर जाना, मगर इतना तो मौका दो कि हाले दिल बयां कर लूं,
चुरा कर सोफिया आंखों की अपना दिल जवा कर लूं इजाजत हो तो मैं कुछ आपसे गुस्ताखिया कर लूं सुनो घर शौक से तो धड़कने दिल की सुनाता हूँ सुनो घर शौक से तो धड़कने दिल की सुनाता हूँ कहो तो बात मतलब की जबां पर राज लाता हूँ जबां पर राज लाता हूँ बुरा मानो तो कह दो बंद मैं अपनी ज़बां कर लूं चुरा कर सोफिया आंखों की अपना दिल जवां कर लूं इजाजत हो तो मैं कुछ आपसे गुस्ताखियां कर लूं रामचंद्र की जय 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 दीपू दीपू नहीं मां दीपक राज कहो दीपक राज बजाओ ढोल बजाओ बाजे थिनक 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 ढोलक बाजे नाचे दुनिया सारी प्रीत के मन में जोश लगे खुशखबरी लाया प्यारी खुशखबरी लाया प्यारी सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पवन सुत पवन सुत कुछ नहीं हुआ माँ कुछ नहीं हुआ बस मुझे आशीर्वाद दो क्या बात है क्या कहा डॉक्टर ने अरे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है माँ और तुम अभी तक डॉक्टर हकीमों के चक्कर में पड़ी हो अरे मेरा इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं कर सकता था हकीम लुकमान भी नहीं कर सकता तो क्या डॉक्टर ने जवाब दे दिया अरे डॉक्टर क्या जवाब देगा जवाब तो मैं दे चुका हूँ डॉक्टर को एक ही दिन में सारे के सारे रोग रफू चक्कर हो गए तेरे बेटे के बोल सियापति रामचंद्र की जय अरे ये क्या हो गया है तुझे कहीं भंग तो नहीं पी ली अरे भंग नहीं माँ आज मैं बड़े जोरों का नशा करके आया हूँ हलवा बनाओ पूरी बनाओ सारे मोहल्ले का मुंह मीठा कराओ आज मेरे सपने सच हो गए बोल श्रीमती संगीता देवी की जय बोल श्रीमती संगीता देवी की जय संगीता ये क्या पागलपन है ये पागलपन नहीं माँ ये मेरी बरसों की तपस्या का फल है अब मैं तुझसे क्या छुपाऊं जिसकी लगन में मैं पागल बना हुआ था अब वो मेरी लगन में मगन हो गई है तेरा मतलब है ये नाचने वाली क्या कह रही हो माँ अगर तुम उससे मिलोगी ना तो बेहद खुश होगी वो यहाँ आ रही है यहाँ आ रही है हाँ कल ठीक एक दो तीन चार बजे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मैं तेरा बेटा बिहारी बाबू जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे बना के लाया पीतल पर सोने का पानी और पत्थर पर मोम का पॉलिश कुंवर साहब तो क्या उनका बाप भी शनाख्त नहीं कर सकता और लागत सिर्फ 400 रुपए शाबाश प्यारे लाल शाबाश 400 रुपए में सौदा बहुत सस्ता है कुंवर साहब का माल तो लाखों रुपए का होगा बेशक बिहारी बाबू मैं तो हमेशा आपके फायदे की सोचता हूँ लेकिन आप संगीता से मेरी शादी की बात हमेशा टाल जाते हैं अरे प्यारे लाल अब तो सिर्फ एक ही साल की बात है अगले जन्मदिन पर वो बालिग हो जाएगी फिर तुम उससे शादी कर लेना यही बात मेरी समझ में कभी नहीं आई शादी से उसके बालिग होने का क्या ताल्लुक है शादी से तो नहीं लेकिन उसके नाम पर जमा हुए माल से तो है जब तक वो बालिग नहीं हो जाती हम वो जवाहरात भी तो हासिल नहीं कर सकते इसीलिए मैंने उसका लॉकेट और उसकी माँ की सोने में जड़ी हुई तस्वीर आज तक संभाल कर रखी है तुम खातिर जमा रखो संगीता तुम्हारी है और तुम्ही से शादी होगी मुझे तो सिर्फ उन जवाहरात का इंतजार है थैंक यू वेरी बाबू थैंक यू वेरी मच
ये कैसे पता लगाओगे कि संगीता की पीठ पर जन्म निशान है कि नहीं? यही सोच रहा हूँ। इन एक्ट्रेस में घर में खटमल भी कितने होते हैं। पकड़ लिया, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसे मत मारना। क्यों? इस खटमल की वजह से ही तो पता चलेगा कि उसकी पीठ पर जन्म निशान है या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जब वो सोई हुई होगी ना, तो मैं ये खटमल उसकी पीठ पर छोड़ दूंगा। जैसे तुमने बनियान उतारी है, वो ब्लाउज उतार देगी और मैं निशान देख लूंगा। गुड आइडिया। ये लो, इस माचिस पे खटमल जमा करने शुरू कर दो। खराब है, नहीं जल्दी। ओह, इन खटमलों से तो नाक में दम हो गया। बेला, जरा मेरी पीठ तो बुझाना। बुझाती हूँ। इतना बड़ा खटमल। अरे, ये खटमल नहीं है, ये मेरे जन्म का निशान है। ओह, ओह, यहाँ पर कितने सारे खटमल हैं। अरे, तू तो कह रही थी बत्ती खराब है। अब कैसे जल्दी? ओहो, क्या बकवास कर रही है यार तू? मुझे हाँ, तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाती हूँ। अच्छा, अरे तू मुझे खुजा ना। खुजा तो रही हूँ। ओ बाप रे, यहाँ खुजाना सुनी। ओ बाप रे, संगीता तू कितनी मोटी हो गई है। हाँ, तू भी तो मोटी हो गई है। कितने मोटे मसल्स हो गए तेरे। तू से कम, तू जरा यहाँ खुजाना। अच्छा, कहाँ? यहाँ मुझे भी खुजाना। अरे अरे, कितनी जल्दी दुबली हो गई? तू भी दुबली हो गई? बात क्या है? अभी आई तो मोटे थे, बस तू ऐसे मोटे मोटे ख्वाब देखती है। बत्ती बुझा और सो जा। अच्छा, ना जाने खटमल कहाँ से आ गए। छी, शासन कर रहा हूँ जननी। पुरखों ने कहा है कि ऐसा करने से नींद नहीं आती। पुरखों ने तो और भी बहुत कुछ कहा है। हाँ? मगर तू सुनता किसकी है? ये क्या हालत बना रखी है? अरे हाथ मुंह धोके कुछ कपड़े वगैरह बदल ले। अरे छोड़ो माँ, मुझे कौन से फोटो खिंचवाने हैं? ये कहो कि मुझे निदिया तो नहीं आई ना। निदिया तो नहीं आती यार, पल पल गिन के तो तूने वक्त काटा है। चल उठ, अभी आ गई। बोल बोल श्रीराम दीपक राज की जय। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? भाई वाह, जब कोई पूछने की बात है, एक बार नहीं, 100 बार आइए, 1000 बार आइए, 25 बार आइए, मगर हाँ, जाने का नाम ले लीजिएगा। अभी तो आई हूँ, जाने की बात तो आने की बात। हाँ हाँ बेटी, हम दोनों तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। अरे मुझे क्या कर रही हो? जीती रहा जी। मैंने कहा था ना माँ, संगीता देवी कितनी अच्छी है। तू जो जो कुछ कहना था कह चुका। आओ बिटिया, अब हम गरीबों की कुटिया में देख लो। देख ले। घर तो बहुत ही अच्छा है। अरे मगर मैं तो यहाँ यहाँ पहले से ही मौजूद हूँ माँ जी। ये तो तुमने सिर्फ एक ही रूप देखा है, इस घर में और भी बहुत से रूप है तुम्हारे, और ये पगला दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपता है। इन बातों को छोड़ो माँ, घर में मेहमान आया है, कुछ चाय पानी का प्रबंध करो। हाँ, आलू के भजिए ने बहुत अच्छे लगते हैं ना। अच्छा, अभी बना। तू आराम से बैठ बिटिया। नहीं बाजी, ये बात झूठी है। आप आराम से बैठिए। क्या कर रही है? तुम्हें माँ 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 झगड़ा किस बात का? तुम चाय बनाओ और ये भजिया बनाए, मैं आराम से बैठता हूँ। अच्छा, बहुत शरीर बेला,
जरा इधर आओ। क्या है? 8 बजा चाहते हैं। संगीता अभी तक लापता है, आखिर कहाँ चली गई है, अब तक लौटी क्यों नहीं? मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि वो शॉपिंग करने गई है। ऐसी कौन सी शॉपिंग है जिसके लिए इतना वक्त चाहिए? लापरवाही की हद होती है। इस बेचारी पर नाराज होने से क्या फायदा बिहारी बाबू? फिक्र तो इस बात की है कि 25 घड़ियां 16 पल का मुहूर्त ना निकल जाए, सिर्फ 1 घंटा रह गया। कंवर साहब, इसी बात की मुझे भी चिंता है। जन्मदिन की पार्टियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन मेहमानों को क्या जवाब दूं जो उसके डांस के मुंतजिर हैं? मेहमानों की फिक्र मत कीजिए, उन्हें हम संभाल लेंगे। मिस बेला भी तो संगीता से कुछ कम डांस नहीं करती। ठीक है। और कितनी देर है, भजिए तो हजम भी हो गए, पेट में फिर से चूहे कूदने लगे। थोड़े से चूहे और दौड़ने दे बेटा, हाजमा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं चूरन खा लेता हूँ, हाजमा और भी अच्छा हो जाएगा। तो संगीता जी, ओ आप है श्रीमान जी? शुक्र है भगवान का जो तुम अभी तक जाग रहे हो। सारे अस्पताल की दवाइयाँ लेके आया हूँ, डॉक्टर ने कहा है गोलियाँ आज ही से शुरू करो। मुझसे पहले तुम्हारे डॉक्टर को गोलियों की जरूरत है। उल्टे कदम वापस लौट जाओ, वरना मैं तुम्हारे और तुम्हारे डॉक्टर के सारे बाल लोट कर रख लूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब भाई ने बहकना भी शुरू कर दिया। बीमारी वो जो सर पे चाके बोले। आज तो बहुत खुशबू फैला रखी है मकान में। किसी की दावत है या जन्मदिन? कौन आया है दीपक? दो टांग का चूहा है माँ। सब्जी तरकारी में ढेर सा पानी डरवा लो और आटा भी नया गूंथ लो, वरना हम सबके सब भूखे सब भूखे रह जाएंगे। क्या बात है? माँ जी मैं हूँ आनंद, जरा खाना जल्दी से भिजवा दीजिए, ऑफिसर सीधा यहाँ आना पड़ा है। बड़ा एहसान किया है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। घबराओ नहीं मेरी जान, पहले जरा पेट पूजा कर लूँ, फिर तुम्हारी बीमारी का इलाज शुरू करता हूँ। 2-4 गोलियां खाने से ही अगर तुम्हारी संगीता का भूत तुम्हारे सर से न उतर गया तो बेटा तुम्हारे दबाव का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन समझे? ऑपरेशन तो बाद में होता है, पहले खाना खा लीजिए। आप? जी, मेरा नाम संगीता है। नमस्ते। आनंद, आनंद क्या हुआ आनंद? मालूम होता है दीपक, तुम्हारी बीमारी मुझे लगी। कोई बात नहीं प्यारे, पहले खाना खा ले, फिर पानी के साथ 2-4 गोलियां खाने से अगर फायदा न पहुंचे तो बेटा दिमाग का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन? ये बात शाबाश, और शाबाश। हो बेकरार बेबी, हर डॉक्टर है 1000 बेबी। डॉक्टर भले 1000 बेबी, लेकिन सब बेकार बेबी, बस है मेरा प्यार बेबी प्यार। मुझको प्यार हो गया, मुझको प्यार हो गया, मुझको हो गया है प्यार। मैं देती हूँ बेचैन दिल रहता है बेकरार, मुझको
डॉक्टर डिग्री दार, मेरा नाम है मजनू जार, क्या क्या है तकलीफें तुमको कर दो तुम इजहार। तेरा ट्रीटमेंट आसान, अभी है कम सिन सुना दान, गोली सब्र है जिसका नाम, बड़ी अच्छी है मेरी जान, गोली सब्र है जिसका नाम, बड़ी अच्छी है मेरी जान। खा ले वस्तु एक बार, खा ले वस्तु एक बार, खा ले वस्तु एक बार। अफसोस इस बात का है कि आज भी एग्रीमेंट ना हो सका और कल सुबह के प्लेन से हम जा रहे हैं। इतनी भी जल्दी क्या है? वो बार जरूर वो प्रीवी पर्स चली बात। हाँ, वो हमारे प्रीवी पर्स का झगड़ा पड़ा हुआ। कमर साहब, प्रीवी पर्स की आपको क्या चिंता है? ये चिंता तो नहीं, मगर झगड़ा करना तो हम रियासत वालों का फर्ज है। अच्छा जाए दीदी, मैं दो दिन के बाद जरूर हाजिर होगा। जरूर आइएगा जी, जान जाए पर वचन न जाए। गफलत ने सारा बना बनाया काम चौपट कर दिया। ये गफलत नहीं जानी बाबू, मुझे तो मकसद का बढ़ता हुआ चक्कर नजर आता है। अगर इसे यहां ना रोका गया ना तो आगे जाकर हमें बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो मैं सख्ती से पेश आऊंगा। आइए ना, शर्माइए नहीं, डैडी आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। आइए संगीता। सॉरी डैडी, मुझे जरा दीपक के यहां देर हो गई, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर दीपक। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पार्टी में आए हुए सब मेहमान जब वापस चले गए तब तुम्हें घर आने का होश आया? माफ कीजिएगा, जाएगा। तुम कौन होते हो पीछे बोलने वाले? निकल जाओ मेरे मकान से। खामोश। औलाद जब वालदैन के मुंह पर थूकना शुरू कर देती है तो उसका यही नतीजा होता है। ठीक है, यहाँ घर मुंह का देखते हो गा बोलने ठीक है। डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, मैं भी अपना छपरा समझ सकती हूँ। डैडी बंद करो ये बकवास, ने मेरा लाड प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा है। मेरे सामने दीपक और पतंगे का नाटक नहीं चलेगा। जैसे मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना चाहता। दरअसल ले जाओ इसे अंदर और बंद कर दो कमरे में। कब तक छुड़ाओगी यह हाथ? अब यह हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथ में आने वाला है। कभी अपनी सूरत आईने में देखी? मैं तुम्हारी शिकायत डायरेक्ट कर दूंगी। कौन सुनेगा तुम्हारी शिकायत? तुम्हारी मोहब्बत के बढ़ते हुए नाटक को देखकर बिहारी बाबू ने खुद इस बात का फैसला किया है कि अब इस कमरे का दरवाजा उसे खुलेगा जब तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी, चाहे मर्जी से और चाहे आज की रात अपनी ही रात है।
एक तो तुमने उनसे कह दिया है कि हम सुबह जा रहे हैं, दूसरा उन्होंने लड़की को ऊपर बंद कर दिया है। अब लड़की को उसकी माँ के पास कैसे पहुंचाएंगे? किसी तरह लड़की के पास पहुंचना चाहिए। मैं बताऊ, कमान फेंक कर रस्सी से ऊपर चढ़ जाए। आइडिया तो अच्छा है। वो ना संगीता ही होगी, मैं देखता हूँ। मैं क्या करूँ? तुम खटमल जमा करो। बत्ती मत जलाना, मैं अकेले सोई हुई हूँ। अकेले? हाँ, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आए? संगीता मेरी जान, मैं तुमसे ये कहने आया था कि आज जो तुम्हारे से सख्ती हुई है ना, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं कल सुबह बिहारी बाबू को समझा कर तुमको यहाँ से आजाद करवा दूंगा। तुम कितने अच्छे आदमी हो प्यारे। जाने मन, जी चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। नहीं 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 नहीं, अच्छा मेरा पांव चूम लो। वाह, सरे तस्लीम खां है जो मिजाज यार में आए। चल हट मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल सुबह फिर हाजिर हो जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कमल साहब, माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको भी आज जल्दी उठना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्यारे यार, चौथी जी का फैला। नहीं नहीं नहीं, उन्हें तकलीफ मत दीजिए, इतनी जल्दी जगाने से क्या फायदा, चार दिन की तो बात है, फिर मुलाकात होने वाली है। नहीं नहीं प्यारे लाल, जाओ तुम संगीता को लेकर आओ। तशरीफ रखिए। बात यह है, मैं चाहता हूँ कि रात को देर से आने की कम से कम आपसे माफी तो मांगे। वो जैसे आपकी मर्जी। हाँ मगर रात को देर से आई क्यों? बच्चा है ना, सहेली क्या चली गई? उम्र ही ऐसी। संगीता, संगीता जी, बात है बिहारी बाबू, हालांकि थोड़े दिनों की मुलाकात है, फिर भी ऐसे मालूम होता है कि हम आपको बरसों से जानते हैं। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, वरना मैं इसके काबिल हूँ, कहाँ आप और कहाँ मैं। बिहारी बाबू, संगीता भी सो रही है। सो रही है तो जगा दिया हो? नहीं नहीं, जगाने की क्या जरूरत है, हमने तो पहले ही कह दिया था कि फिर हम आने ही वाले हैं। अब इजाजत दीजिए, देर करिए। जो आप कहो। गुड बाय। गुड बाय। बाय बाय। गुड बाय। बाय बाय। प्यारे लाल, तुम भी कमाल करते हो, कमर साहब को बाहर तक से छोड़ा थे, और फिर उनसे ये कहने की क्या जरूरत थी कि संगीता ऊपर सो रही है, कोई और बहाना बना लेते। अगर ये तो पूछ लीजिए कि हकीकत क्या है। क्या है? आपकी लाडली घर छोड़कर भाग गई। ये हम छोड़कर भाग गई है, ये लीजिए। और बच्चे गरिया खानदानी लाकर दोनों गायब है। गायब है? वो भी संगीता शायद अपने साथ ही ले गई। शायद नहीं, यकीन है। लेकिन 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 वो जा कहां सकती है? अगर वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे तो? आप भी कमाल करती हैं, इतने बड़े शहर में कौन से मकान में कौन रहता है ये भला वो कैसे जान सकते हैं? उन लोगों ने तुझे भी तो देखा है बेटा, कहीं ना कहीं से पता चला लेगी। मेरी मानो तो संगीता को आनंद क्या भिजवा देना चाहिए। लाख रुपए की बात करी माँ, चलिए मैं आपको आनंद क्या छोड़ू। नहीं नहीं, ये काम भी तुम्हारी बजाय मुझे करना, तुम यहाँ बैठो, चलो संगीता मैं आनंद क्या ले चलती हूँ।
और देखो जब तक ये बात पूरी तरह से ठंडी नहीं हो जाए तुम आनंद के हाथ बिल्कुल मत जाना। मगर माम कह दिया बिल्कुल मत जाना। मुझे कुछ नहीं मालूम। की रात थी, मैं तो अपनी आंटी के यहाँ गई। बेला, ये मत भूलो कि तुम संगीता की सहेली और सेक्रेटरी होने के साथ साथ मेरी मुलाजमा भी हो। बताओ कहाँ? कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं जानती? जानती हो तुम्हारी वजह से मेरा कितना भारी नुकसान हो गया। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यू आर डिसमिस्ड। गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट फ्रॉम हियर। कुछ पता चला प्यारे लाल? नहीं प्यारी बाबू, तमाम होटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हत्या के बंबई का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन तुमने शायद वो मंदिर तलाश नहीं की जिसका उसने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है। यही तो मुश्किल है भाई बाबू, उस मंदिर का ठिकाना नहीं मालूम, सिर्फ लड़के का नाम मालूम है, दीपक। दीपक। संगीता, मेरे सपनों की रानी, पहले सपने आते थे तो तुम आती थी, अब तुम आ गए तो सपने नहीं आते। अपनी तो किस्मत ही खोटी है। क्या कर्फ्यू ऑर्डर लगा रखा है माने? मिलना ही मुश्किल है। करूं तो क्या करूं, मिलूं तो कैसे मिलूं? मैं मोह माया का बंधन त्याग कर साधु बन जाता हूं। अलाय निरंजन, अलाय निरंजन, अलाय निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। पधारिए महाराज, जो रूखी सूखी दाल रोटी हमारे पास है वो आप भी खाइए। भोजन कभी रूखा नहीं होता और सागर कभी सूखा नहीं होता। ये सब संसारी भेदभाव है माई, एक बार फिर सोच ले, हम पधारे क्या सिधारे? पधारिए महाराज पधारिए, भोजन तैयार है, बंदर विराजमान तो होइए। विरास तो हम जाते हैं किंतु हम भोजन कदापि नहीं करेंगे। भोजन नहीं करेंगे? कारण? कारण कि जब तक हम ब्रु शिव शंभू का प्रसाद न खा ले, हम किसी भी पदार्थ को हाथ नहीं लगाते। शिव शंभू का प्रसाद? हाँ माई, शिव शंभू का प्रसाद अभी लाती हूँ महाराज। आप पधारिए तो स्थान पर, अगली गली में मंदिर है, मैं अभी आती हूँ। आप पधारिए। बड़ी भक्तन मालूम होती हो माई, है? बड़ी भक्तन हो। अच्छा तो हम विराज गए। अरे बेटी सुनती हो, इधर आओ, जल्दी आओ, साधु महाराज को प्रणाम करो, इनके आशीर्वाद लो। सदा सुहागन रहो माई की बहुरानी। लेकिन महाराज ये मेरी बहुरानी नहीं, बेटी के समान। हम सब जानते हैं अगर बहू नहीं तो बन जाएगी, दूधो नहाएगी तो फलेगी। धन्य हो महाराज धन्य, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं मंदिर से जल्दी से आती। आराम से आओ माई, आराम से। बच्ची आओ मेरे पास बैठो, आओ। शास्त्र के अनुसार स्त्री के पांच गुण होते हैं, रूपवती, गुणवती, कलावती, विद्यावती और सौभाग्यवती। मगर तुम में एक वती और भी है, वो है चुपवती। चुपवती? कुछ बोलती भी हो बच्ची? हाँ महाराज बोलती भी हूँ। अरे वंडरफुल, बोलती ही नहीं रस भी घोलती हो देवी। महाराज आपके लिए कुछ जल पान लाओ। पान हम नहीं खाते, जल ले आओ जल। अच्छा, अभी लाती हूँ। ठंडा जल। शर्म? अरे शर्म धर्म का काल है, अपना बुरा हाल है। जब मेनका को देखकर विश्वामित्र का आसन ढोल सकता है,
कि कलयुग में सतयुग की वाणी बोलत है। आप अपनी वाणी अपने पास रखिए, मुझे रात कोई आप कोई मालूम होते हैं। पाखंडी प्रलय प्रलय, मैं और पाखंडी, अरे बच्ची मैं तो उन साधुओं में से एक हूँ जो तुम्हारे मन की बात बता सकता है। आप क्या मेरे मन की बात बताएंगे? लता ने कहा से चले आते हैं ऐसे वैसे साधु। क्या कहा? ऐसा वैसा साधु, ये बात है तो लो। अलोक निरंजन बम 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 भोलेनाथ। काहे जी की बात छुपाए, ओ गोरी जी की बात छुपाए। अरे सब जाने सन्यासी, तेरा मन है व्याकुल गोरी, तेरी आँख है प्यासी। काहे जी की बात छुपाए, ओ गोरी जी की बात छुपाए। तुझको शायद याद न हो, हमको मालूम है गोरे, तेरे नैनों से निंदिया किस रोज हुई थी चोरे। उस दिन मंगलवार था जिस दिन खोया तूने चैना, खोया तूने चैना। शाम के साढ़े चार बजे उलझे नैनों से नैना, बोल ये सच ये झूठ? सच है महाराज। तब से तो है नींद न आई, रातें हुई चौरासी। काहे जी की बात छुपाए, ओ गोरे जी की बात छुपाए। आग को हम पानी कर दें, पानी में आग लगा दें, तेरी आंखें देख तेरे मन की बात बता दे। सुनेगी और बताऊ उसने बन के सैया, सपने में भी पल के नीचे पकड़ी थी तोरी भैया। बोल ये सच या झूठ? सच है महाराज। तेरे दिल के साथ पे उसने छेड़ा भीम बला सिखाए, जी की बात छुपाए, ओ गोरे जी की बात छुपाए। हम इस वक्त तुझे मिलने सीधे कैलाश से आए, धन दौलत प्रीतम हमसे तू जो मांगे सो पाए। झुका कुछ सेवा कर तुझको वरदान मिलेगा, हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तोड़ के सब दीवारें तेरा साजन आन मिलेगा। बोल मिला दो, बोल बोल। हाँ जी महाराज। अच्छा, हो जाएगी दूर तेरे तन मन की सारी उदासी। काहे जी की बात छुपाए, ओ गोरे जी की बात छुपाए। अरे सब जाने सन्यासी, तेरा मन है व्याकुल गोरी, तेरी आँख है प्यासी। काहे जी की बात छुपाए, ओ गोरे जी की बात छुपाए। मेरी दाढ़ी, हाँ, वो है, मेरी दाढ़ी।
लाडली जो घर से भागना तो जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि कार के शीशे के ऊपर चंपा गली और दीपक निवास भी लिखा हुआ। बचपन अनजान होता है प्यारे लाल, और जवानी नादान, बच्चों से ऐसी गलतियां होती ही रहती हैं। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं जोश में आकर तुम ऐसा कर बैठी हो, लेकिन बेटी अपने अपाहिज बाप का तो ख्याल करना चाहिए था जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लिया होता, तिजोरी खोलने की क्या जरूरत थी? तिजोरी? मैंने तो कोई तिजोरी नहीं खोली। बिहारी बाबू, ये वक्त प्यार से समझाने का नहीं है। तुम चुप रहो प्यारे लाल, ऐसे मामले में दखल देने की मैंने तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दी। मैं तो आप ही के भले के लिए कह रहा था, संगीता के घर में ठहरना ठीक नहीं, वरना वो लोग जहां भी आ जाएं। तुम ठीक कहते हो प्यारे लाल, अगर तिजोरी इसने नहीं खोली तो शक सिर्फ कमर साहब पर किया जा सकता है। जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए, ले जाओ इस लड़की को और बंद कर दो तहखाने वाले कमरे में। बिजली का खंभा, घूमता हुआ रास्ता, पहियों वाली कुर्सी। नहीं 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 नहीं, वो मुझसे दूर नहीं जा सकती, वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं सबको मार डालूंगा, सबको जान से मार डालूंगा। अल्लाह निरंजन। घबराने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर आनंद, मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, कल सुबह तक बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बिहारी बाबू। गुड मॉर्निंग कंवर साहब। देखिए वादे के मुताबिक हम फिर आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो उस वक्त अदा करना होगा जब हम आपकी ये खोई हुई चीजें वापस करेंगे, ये सोने के फ्रेम की तस्वीर और ये सोने का लॉकेट। चाबी क्या है ना? जी। लेकिन ये चीजें तुम्हें कहां मिली? क्या कहे, कहते हुए भी शर्म आती है। वो हमारा सेक्रेटरी था ना मक्खनलाल, वो पहले दर्जे का चोर निकला, हमारी भी बहुत सी चीजें उठाई उसने, उसमें से ये आपकी चीजें भी निकल आई, मैंने डिसमिस कर दिया। बड़ी हैरत की बात है, देखने में तो आदमी बहुत शरीफ मालूम होता था। जमाना ही ऐसा है बिहारी बाबू, अक्सर लोग सूरत से शरीफ और सीरत से बदमाश होते हैं। कंवर साहब आपको तकलीफ तो होगी, मेरे लिए ये तस्वीर उस मेंटल पे रख दीजिए। देखिए बिहारी बाबू, इस तस्वीर के साथ आपके जज्बाती ताल्लुक है, इसे आप अपने हाथ से वहां रखें तो अच्छा होगा। आपके हाथ रुके हुए हैं, हम आपको वहां पहुंचा देते हैं। How kind of you? हम आपके लिए एक और खुशखबरी भी लाए हैं। वो क्या? आपके इस फालिज का इलाज हो सकता है। मेरे फालिज का कोई इलाज नहीं, मैं दुनिया का हर इलाज करके देख चुका। मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया है कि फालिज की बीमारी मेंटल शॉक यानी कि दिमागी सदमे से होती है, और दिमागी सदमे से ठीक भी हो सकती है। अब मुझे क्या सदमा हो सकता है, खुशहाल हूँ, खुशबाश हूँ। और बिहारी बाबू, इंसान खुशहाली में भूल जाता है कि कई एक बातें ऐसी भी होती हैं जो उसे फिर से नागहानी सदमा दे सकती है। मसला ये कमला, मुझे पहचान लिया बनवारी बाबू? तुम्हें भी पहचान लिया और इस प्रिंस को भी पहचान लिया। आपकी जरा नवाजी, देखा मेरे इलाज का करिश्मा, एक मिनट में आपकी टांगें ठीक कर दी। बनवारी लाल जी, बनवारी लाल, इतना बता दो मेरी गीता कहाँ है? गीता तुम्हारी गीता नहीं, मेरी संगीता है। तुम समझते हो कि बेटी को मां से छीन कर अभी भी तुम उसे कब्जे में रख सकते हो? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश न करो कमर, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरा राज मालूम हो गया है, लेकिन ये कैसे साबित करोगे कि मेरा नाम बिहारी लाल नहीं बनवारी लाल है, और संगीता का नाम संगीता नहीं गीता है? तुम्हारा केस अभी भी पुलिस की फाइल पर है बनवारी लाल, तुम्हें पकड़ना मेरा काम था, सबूत पेश करना पुलिस का। नंबर नहीं मिलेगा, तार कटा हुआ है। हेडम, आई सेड ड्रॉप इट। गया। मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम दोनों को मेरा राज मालूम हो गया है, इसलिए मेरे पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं कि तुम दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। आगे बढ़ो कमला। गोली चलने के बाद तुम्हारा यहां से भाग निकलना नामुमकिन हो जाएगा बनवारी लाल,
तुम इसकी चिंता न करो प्रिंस, मैं तुम्हें वो मौत मारूंगा कि तुम तड़प तड़प कर मर जाओ और किसी के कानों तक आवाज न पहुंचे, समझे? चलो आगे चलो। काहे का डैडी, किसका डैडी? डैडी खबरदार, मौत से गले मिलने वाले खामोश रहते हैं। प्यारेलाल, बांधो इस नकली प्रिंस को इस खंभे से। चलो। मगर ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। समझने की बात सिर्फ इतनी है गीता देवी, ये तुम्हारा बाप नहीं है बल्कि तुम्हारे बाप का खूनी है बनवारी लाल, और ये तुम्हारी माँ है कमला देवी। माँ, गीता, माँ, गीता, माँ। खबरदार, गनीमत समझोगे मरने से पहले तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो। तारेलाल, बांध दो इन दोनों को। माँ, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो बनवारीलाल, इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम दोनों से ज्यादा खतरनाक अब मेरे लिए गीता है। तारेलाल, चलो, चलो। लखन को स्टेट का प्रिंस बनना आसान है लेकिन सियासत को समझना बहुत मुश्किल है। मैं चाहूं तो तुम्हें इस पिस्तौल की गोली का निशाना बना सकता हूं लेकिन तुम जैसे चालाक आदमी को कुत्ते की मौत मार के मुझे बहुत खुशी होगी। यह है तुम्हारे भौंकने का इनाम। शायद तुम्हें अब भी उम्मीद है कि तुम यहां से बच निकलोगे। मेरी मत सोचो बनवारी लाल, अपनी फिक्र करो। जिस दौलत के लिए तुमने सारी उम्र अपाहिज बनकर काटी वो अभी भी कमला देवी के बैंक लॉकर में महफूज पड़ी। मुझे मेरी बच्ची की जिंदगी चाहिए, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। कमला देवी, अगर तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है तो फौरन मेरे साथ बैंक चलो, वरना इस कमरे में पैदा होने वाली गैस तुम्हारी बेटी की जिंदगी खत्म कर देगी। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। खोल दो इसे प्यारेलाल। अगर इस पुटियाने को गड़बड़ की और मैं 10:30 बजे तक यहाँ न पहुंचूं तो गैस खोल देना ताकि ये अपनी बेटी की शक्ल फिर न देख सके। चलो बाहर, चलो आगे। मैं बिहारी बाबू की नीयत को अच्छी तरह जानता हूँ। जवाहरात हासिल कर लेने के बाद वो तुम्हारी माँ को गोली का निशाना बना देगा। अगर तुम मौत से बचना चाहती हो तो मेरा कहना मान लो, मैं तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूँ। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, तुम जैसे कुत्ते के साथ। संगीता, वो, वो। मगर तुमने ये नहीं बताया गीता कि कुत्ता घरेलू है या बाजारी। अगर जबानदाजी की तो कैसे नहीं खोल दूंगा। छुट्टी मेरे प्यारे प्यारे लाल, तुम्हारा दोस्त बनवारी लाल हमारे साथ तुम्हें भी यहां बंद करके चला गया। कमला देवी, मैं जरा जल्दी में हूँ। ऐसी जल्दी भी क्या है, बैठी कुछ ठंडा या गर्म? नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे हाई कोर्ट पहुँचना है, वकील साहब साथ में है। बैठे वकील साहब। थैंक यू। जरा जल्दी यहाँ। जहाँ सकती
भी जरा जल्दी कीजिए। संगीता घबराने की बात नहीं, बिहारी बाबू यहीं बैठे हैं, तुम्हारी माँ भी अंदर ही होगी। ठीक है, मैं इससे निपट लेती हूँ। तुम माँ को सारी बात बता के पुलिस स्टेशन लेते आना। अच्छा। अगर सहमत न हो तो क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ कि ये साहब कहाँ है जिनकी कुर्सी खाली पड़ी है? अंदर है। बड़ी नवाजिश आपकी। गाड़ी में और बैग मेरे हवाले करो। ये सब कुछ तुम्हारा है, मगर मेरी बेटी, मुझे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। कहीं न कहीं जरूर पहुंच जाओ। बैठ जाओ अंदर। न जाने क्या हो गया इसे। खराब हो गई। अब क्या होगा? चलो टैक्सी ले। मगर इसमें यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मौत के मुंह से निकालकर उसको फिर खतरे में डाल दिया। खतरा ये नहीं, कौन साथ उसके साथ है, वो दोनों उसे चकमा देकर सीधे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। अच्छा हाँ, चलो मेरे साथ। चलो ड्राइवर, अगले चौराहे थे एयरपोर्ट की तरफ राइट को लेना। बहुत अच्छा साहब। नहीं ड्राइवर, लेफ्ट को लेना। बहुत अच्छा मेम साहब। नहीं राइट को लेना। बहुत अच्छा साहब। नहीं ड्राइवर, लेफ्ट को लेना। बहुत अच्छा मैम साहब। मैं कहता हूँ राइट को लेना। देखो साहब, हम सीधा लेगा तो वापस में फैसला कर लो, फिर हमको बताओ। रोक तो गाड़ी, मैं खुद चलाऊंगा। उधर जाओ गाड़ी। खबरदार, तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? उसी जहन्नुम में जहाँ तुम्हारी बेटी और वो नकली कमर कैद का शिकार होकर पहुंच चुके हैं। कमला देवी, तुम भी अब मौत से गले मिलने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि तुम्हारे साथ ही हमेशा के लिए मेरा रात की दफन हो जाए। मैंने गाड़ी के बैग खोल दिए हैं,
अब ये टैक्सी खट के रास्ते सीधे तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ले जाएगी। नहीं सचमुच आवाज हो गया। संगीता तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बेटा क्षमा माता जी क्षमा। ठीक है वो रही संगीता। आपको इतनी तकलीफ हुई माँ जी, उसकी माफी मांगता हूँ। मैं तो संगीता हूँ कुंवर साहब, माँ जी तो वो है। दीपक संगीता। संगीता ये है, माँ जी वो है। कहीं दीपक को सारी उम्र यही गलती होती रही तो मुश्किल हो जाए। इजाजत हो तो मैं कुछ आपसे गुस्ताखियां कर लूं।